चंबा के किसान धारोराम को खेती के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। धारोराम को ये पुरस्कार सोलन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया। जिला चंबा के विकास खंड महिला के तहत ग्राम पंचायत कीड़ी के उन्नत किसान धारोराम को खेतीबाड़ी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ किसान के खिताब से नवाजा गया है। उन्हें ये पुरस्कार डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री नौणी द्वारा सोलन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर द्वारा दिया गया। कीड़ी पंचायत के गांव पदरूही में ज्ञानचंद के घर जन्मे धारोराम ने राजकीय महाविद्यालय चंबा में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी की बजाय खेतीबाड़ी का काम आरंभ किया। धारोराम ने उद्यान विभाग की सहायता से 4 पॉली हाउस लगाए, जिसमें रंग बिरंगी शिमला मिर्च के साथ अपने खेतों में मटर की खेती, सेब, मशरूम, बंद गोभी और आलू की खेती कर रहे हैं। वर्तमान में धारोराम की आर्थिकी काफी सुदृढ़ हुई है। धारोराम का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी खेती को छोड़ सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरियों की तरफ भाग रही है, लेकिन अगर खेतीबाड़ी को ही व्यवसाय के तौर पर अपनाया जाए तो इससे भी अच्छी कमाई हो सकती है। मैं खेती और बागवानी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 1999 से खेती का कार्य शुरू किया था। उसके बाद मैंने पढ़ाई के साथ साथ जो थी वे खेती भी की, और 2004 में मैंने सेब का बगीचा लगाया। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मैं इधर उधर नौकरी की तलाश में ही भटका कुछ दिन, फिर उसमें भी मुझे कुछ निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद मैंने अपना रुख खेती और बागवानी की तरफ किया, और मैंने 2012-13 में संरक्षित खेती ग्रीन हाउस लगवाए उद्यान विभाग से, और जिससे मुझे बढ़िया जो मुनाफा हुआ। और उसके बाद पिछले साल मैंने उच्च गुणवत्ता सेब की बागवानी भी शुरू की है, और मैं आज के जो नौजवान बेरोजगार युवा हैं उनको मेरा यही संदेश है कि वे नौकरियों के अलावा भी खेतीबाड़ी में अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, और इसे वो अपना स्वरोजगार बना सकते हैं। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।